ठीक क्रिसमस से एक दिन पहले डिलिस्टिंग रैली होती है जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से। अब उसके बाद कहीं के आदिवासियों की एकता को स्थापित करने को लेकर के विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव जी हैं, क्या मैसेज है, क्या संदेश देने की कोशिश है इस मंच के माध्यम? देखिए, आदिवासी एकता महारैली है और इसमें निश्चित रूप से न सिर्फ दक्षिणी छोटानागपुर बल्कि कोलान और पलामू के भी लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, विभिन्न आदिवासी समुदाय को। तो हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से गीताश्री उरांव से बात करने की, लेकिन जाहिर सी बात है सुबह से बात कर रही हूँ तो थोड़ी दिक्कत है। तो ये जो पिछले साल हमने जो डिलिस्टिंग का जो पूरे देश भर में महारैली का आयोजन जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा किए जाते हुए देखा, जो आरएसएस बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का ही एक विंग है, और इन्होंने जो मुख्य बातें की कि जो धर्मांतरित हो गए हैं आदिवासी वो बाकियों का जो हक अधिकार छीन रहे हैं वो ले जा रहे हैं, मगर हम इनसे सवाल करेंगे कि जब ये बोलते हैं कि इन्होंने धर्म बदल लिया, ईसाई धर्म में चले गए, तो इनको डिलिस्ट इसलिए कर देना चाहिए, और डिलिस्ट इसलिए नहीं मतलब अगर ये हिंदू धर्म में वापसी करते हैं तो इनको डिलिस्ट नहीं किया जाएगा, मगर ये साथ ही साथ हिंदू धर्म की भी वकालत करते हैं, तो निश्चित रूप से ये हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, हमें इससे कोई वो परेशानी नहीं है। आप हिंदू धर्म में जाना चाहते हैं आप जाइए, मगर आप फिर बाकियों के लिए इस तरह से क्यों बात करें? आप दूसरे को उंगली दिखा रहे हैं और तीन उंगली तो आपके खुद के तरफ, और ये निश्चित रूप से ये उन सभी चीजों, क्योंकि अभी 2024 से पहले का इन लोगों को माहौल बना था, सेना वोट को इनको अपने तरफ जो है खींचने की एक कया बात थी, और साथ ही साथ पर्दा उस बात पे डालने की कि जहाँ ये डिलिस्टिंग ईसाई धर्म धर्मांतरित लोगों को के लिए कर रहे हैं ना, बात डर दिखा रहे हैं, वहीं पर भारत सरकार जो अभी है यहाँ पर भाजपा की सरकार, इन्होंने देश भर के आदिवासियों को डिलिस्ट कर दिया, वो इस तरह से कि 2014 में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनते के साथ ही इस देश का माहौल खराब होते हुए देखा, चर्चों पे हमला शुरू हुआ, 2015 में मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग का दौर शुरू हुआ, 2016 में जो है विश्व हिंदू परिषद के अधिवेशन में ये नारा लगा जाता है कि सन्ना सनातनी एक है, 2017 में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत आके झारखंड में ही बोल के गए हैं कि आदिवासी हिंदू ही तो है, अलग से कॉलम कोट किए क्योंकि उसकी अलग से कोई पहचान नहीं, और ये कहते हुए 2019 का जो उनका जो प्रस्तावित जनगणना का प्रपत्र था उसमें से पता चला कि वो हमारा जो सातवां बोर्ड होता था ना वो हटा दिया गया, जो हमारी पहचान के लिए देश भर के आदिवासी सरना हो गोंड हो भील लिखने वाले हो कोई अपर नेम टोट डी, और इन लोग सबका जो है एक झटके में इन लोगों ने जो है पहचान खत्म कर दिया, हमारा संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया, और जब हम इसकी मांग पहले तो मांग करेंगे, मांग हमने बार बार इनसे की कि आप हमारा जो है जो पूर्व से आजादी के बाद से जो हमें 1951 से हमारे लिए जो कॉलम कोड रखा था, जो हमारे ऐतिहासिक रूप से मिले हुए हमारा जो ये पहचान है उसको पुनः स्थापित कीजिए, हमने राज्यपाल तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी के सामने ये बात रखी, वो इस बात से बिल्कुल सहमत थी कि हाँ बिल्कुल जो है आदिवासी धर्म कोड ही पुनः स्थापित होना चाहिए, हो जाना चाहिए। 2021 में हमने बात रखी, 2022 में जो राष्ट्रपति बन गई तब भी हम उनके जाके अखिल भारतीय आदिवासी के प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति मंडल ने उन बात रखी, 23 में इस बात का खुलासा हो गया जब जैक के द्वारा जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का अपलोड किया गया, जिसमें 5वीं अनुसूची के राज्य में आदिवासी बहुल राज्य में हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, सिख के लिए और जैन के लिए कोड कॉलम है, मगर आदिवासी बच्चों के लिए नहीं। हाँ, एक विषय ये है कि जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से तमाम आदिवासियों से आह्वान किया गया कि वो इस महारैली से दूर रहे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या देखने के बाद क्या उनको अपने आप से जवाब मिल गया? बिल्कुल मिल गया है, क्योंकि हम इन बातों को लोगों के बीच में जा जाके बता रहे हैं। मैंने तो जब बाबूलाल मरांडी जी का ये घोषणा देखी समाचार पत्र में कि हम 11 फरवरी को जो है एक विशाल जनजातीय सम्मेलन यहाँ मोरहाबादी रांची में करेंगे, तो उसमें इन्होंने अपनी उपलब्धियों की फहरिस्त निकाली
कि आदिवासी समाज को की महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया, हमने अलग राज्य के झारखंड अलग राज्य किया, आदिवासी मंत्रालय बनाया, धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जयंती पे हमने गौरवशाली जनजातीय गौरव दिवस का हमने घोषणा की, मोदी जी के मंत्रिमंडल में 8 आदिवासियों को होना, ये उपलब्धि है इनकी। मगर मैं बाबूलाल जी मरांडी जी को उसके विरोध में मैंने हमने मीटिंग की और 27 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था इसी को लेके कि हम इसका विरोध करेंगे, कि लोगों के बीच में जाएंगे और इस बात को मैं कहूंगी कि बाबूलाल जी आप ये सारी उपलब्धियों को एक किनारे कीजिए, भाजपा की आज के डेट में एक ही उपलब्धि है आदिवासी समाज के लिए कि इन्होंने हमारा अस्तित्व पहचान हमारे संवैधानिक अधिकारों को मिटाने का काम किया है। जनजाति मंच की तरफ से एक ये भी आरोप लगा कि ये जो रैली है वो कांग्रेस की रैली है, क्रिश्चियन की रैली है, आप क्या जवाब? मैं आपको क्रिश्चियन लगती हूँ? मैं सरना समाज से हूँ और आपको मन से लेके यहाँ पर आपको ईसाई, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सरना समाज के लोग भी मिल जाएंगे। यहाँ एकजुटता की बात है, एकता में जो ताकत है उसकी बात को लोग समझ रहे हैं और जो जिस तरह के ईसाई सरना करके जो काटने बांटने की जो ये अपनी चाल चल रहे हैं उसको विफल कर दिया है इस रैली ने। भाजपा देखे खुद कि यहाँ पर जितने ईसाई हैं उतने सरना के भी लोग हैं और सबकी चिंता एक है कि हमारा जो पहचान, हमारा जो संवैधानिक अधिकार को जिस तरह से यहाँ से मिटाने का काम भाजपा ने किया है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यह आदिवासी समाज एकजुट होके यहाँ पर उपस्थित हुआ है। तो आपने सुना किस तरह से गीताश्री उरांव पूर्व मंत्री जी ने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की कि किस तरह से रांची के मोरहाबादी मैदान में इतनी बड़ी भीड़ ने जनजाति सुरक्षा मंच को अपने भीड़ के माध्यम से, अपने संख्या बल के माध्यम से जवाब दे दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।